अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम तो वही ऐसा चाहो ना जिसने महापारा को जी। तो फिर क्या इस हाल में? सुहेल साहब की वजह से मैं सस्पेंड कर दिया गया। बाद में उन्होंने मेरा साथ भी नहीं दिया। साथ नहीं दिया? और आपको क्यों सस्पेंड किया गया सोहेल भाई की वजह से? सोहेल साहब ने उस लड़की को फंसा के गिरफ्तार करवाया था। और कहा था कि पुलिस कस्टडी में उसको मार के डरा के धमका के राजी करने। लेकिन किस लिए? आपको तो पता है सोहेल साहब की शुरू से नजर थी उसको। इसीलिए उसे मजबूर करने के लिए मीडिया बुलाया। ऐसी दुर्गत की थी हमने उसकी, क्या बताएं। सोहेल साहब को मैंने कहा भी कि सर ज्यादा हो गया, मगर उन्हें ज्यादा भी कम लग रहा था। यार लड़की तो छूट गई, मुसीबत मुझ पर आ गई। नौकरी नहीं रही मेरी। लेकिन क्यों आपने ये सब क्यों किया? लालच में आ गए क्या बताएं। दुनिया में कफाते अमल है। वहां सोहेल साहब के कहने पे उस लड़की को मजबूर कर रहा था, और यहां मेरी बीवी घर में लुट गई। आपको आपको ये सब करने को सोहेल भाई ने कहा था ना, या फिर फरीद साहब ने? जी सोहेल साहब ने कहा था। ये फरीद साहब कौन है? और महापारा को जान से मारने का भी सोहेल भाई ने कहा था? जान से मारने का कहता तो वो मर जाती, उसे तो जिंदा लाश बनाने को कहा था। तो अल्लाह ने उसके नसीब में इज्जत लिखी हुई थी, उसके ऑफिस वाले आए और अपना केस वापस ले लिया। वरना पता नहीं वो जिंदा भी होती या शर्म से मर चुकी। और सोहेल साहब ने ये भी कहा था कि उस लड़की के सामने थाने में राहत का नाम लेना। इसलिए जब उस दिन आप थाने आए तो मैंने आपका नाम लिया।